सबसे पहले मैं हमारे नए अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई देना चाहती हूँ। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में ये जिम्मेदारी संभाली है। हम सभी को उनके नेतृत्व में पूरी तरह मिलजुल कर सामूहिक तौर पर काम करना चाहिए। यह समय अपने निजी अहम और अपनी आकांक्षाओं के बारे में सोचने का नहीं है। यह वक्त तो ये देखने का है कि हम सभी, हम में से एक एक व्यक्ति पार्टी के लिए क्या कर सकता है। पिछले 4 साल में कांग्रेस को तबाह करने के लिए अहंकारी और सत्ता के नशे मदमस्त सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। साम दाम दान भेद का खुला खेल चल रहा है, लेकिन सत्ता के अहंकार के आगे कांग्रेस ना तो कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी। उल्टे मोदी सरकार के तानाशाही तौर तरीकों, संविधान की उपेक्षा, संसद का अनादर, उनकी विभाजनकारी विचारधारा, विपक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाना और मीडिया को सताना जैसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में कांग्रेस आगे रहकर संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों के झूठे फर्जी दावों, फ्रॉड और भ्रष्टाचार का हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके वादे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वोट हथियाने के साथ और वोट हथियाने की चाल थी, कुर्सी हथियाने की चाल थी। आज जब कांग्रेस के लंबे शानदार और प्रभावशाली इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक कठोर संघर्ष भी हमारे सामने है। कांग्रेस अध्यक्ष और हम सभी के सामने जो चुनौतियां हैं वह मामूली नहीं, उसका हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। हमें ऐसे भारत बनाने के लिए संघर्ष करना है जो सत्ता के भय से मुक्त हो, जो सत्ता की मनमानी से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के जीवन की गरिमा बनी रहे। पक्षपात मुक्त भारत, प्रतिशोध मुक्त भारत, अहंकार मुक्त भारत, इसके लिए एक एक कांग्रेस जान को हर बलिदान देने के लिए तैयार रहना है।